हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं छेना मुर्गी। ये एक स्वीट होता है, बहुत ही अच्छा एक स्वीट होता है, बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला एक स्वीट होता है। बहुत ही आप जल्दी से इसको बना के रेडी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं तब भी आप इसको बना के बहुत ही जल्दी से रेडी कर सकते हैं। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें। मैंने यहाँ पर पनीर लिया है, शुगर लिया है, वाटर लिया है और यहाँ पर मैंने रोज़ वाटर लिया है, आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर लिया है। इनकी जो क्वांटिटी है वो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दी है, तो आप वहाँ से देख लें। चलिए हम अपने जो पनीर है उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इक्वल साइज़ के हमें इसके जो पीसेस हैं वो कट करने हैं। मैं अपना जो है पनीर वो कट कर लेती हूँ। जो भी मैंने क्वांटिटी जितनी भी ली है वो सब मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोट डाउन कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख लें। आप देख सकते हैं मैं अपना जो पनीर है वो कट कर लेती हूँ। बहुत ही जल्दी से बन के रेडी हो जाता है। 15 मिनट में हमारी जो छेना मुर्गी है वो बन के रेडी हो जाती है। आप देख सकते हैं इस साइज़ में मैं सारे जो अपना पनीर है वो कट कर लेती हूँ जल्दी से। ऐसे ही सेम साइज़ में हम अपने सारा पनीर कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपना पनीर कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं हाफ़ कप ऑफ शुगर ऐड कर रही हूँ और हाफ़ कप से हाफ 1/4 कप मैं यहाँ पर वाटर ऐड कर दूँ। जितनी आपने शुगर लिया उसका हाफ आप यहाँ पर वाटर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, तो मैंने उसमें हाफ़ कप शुगर ऐड करी है। मैं इसकी एक तार की चाशनी बना के रेडी कर लेती हूँ। मीडियम फ्लेम रखनी है हमें इसकी चाशनी बनाते टाइम, और हमें इसकी ओनली 1 तार की ही चाशनी बना के रेडी करनी है। मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड करती हूँ, 1/2 टीस्पून ऑफ मैं यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जब भी आप छेना मुर्गी बनाएं आप इसमें नॉन स्टिक पैन का ही यूज़ करें, तो आपके लिए इजी रहेगा अगर आप नॉन स्टिक पैन का यूज़ करेंगी। आप देख सकते हैं मैं इसको कंटिन्यूसली चलाती जा रही हूँ। मैंने इसकी जो फ्लेम है वो थोड़ी सी और लो कर दी है। आप देख सकते हैं मैं अपनी जो चाशनी है वो चेक कर लेती हूँ कि हमारी जो एक तार की परफेक्ट चाशनी बनी है ना, आप देख सकते हैं इसमें से जो एक तार है वो आ रहा है, मतलब हमारी जो चाशनी है वो एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गई है। अब मैं इस प्रोसेस में पनीर ऐड कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने जो अपने स्मॉल पीस कट करे थे वो अपने मैं पनीर को ऐड कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो पनीर है वो ऐड कर दिया है। अब मैं इसको कंटिन्यूसली चलाती जाऊँगी और इसकी जो फ्लेम है वो मैं लो फ्लेम रखूँगी। लो फ्लेम पे हम इसको चलाते रहेंगे। मैंने जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ करे हैं, जितनी क्वांटिटी में करे हैं, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट डाउन कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख लें। अगर आप मुझे इससे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक ग्रुप पे एंड फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसको कंटिन्यूसली चलाती जाऊंगी और इस पे जो एक परत है, जो हमारी चाशनी की एक परत है, वो आ जाएगी। ऐसे ही हमें इसे हल्के हल्के हाथ से कंटिन्यूसली चलाते रहना। आपको ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है, ऐसा नहीं चलाना है कि इसकी जो पनीर के जो पीस है वो ही कट हो जाए चलाने में, इसलिए थोड़ी केयर से आराम आराम से चलाना है। आप देख सकते हैं इस पे आपको दिख रहा होगा एक कोटिंग हो गई है, शुगर की एक कोटिंग हो गई होगी, चाशनी आ गई है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमें इसे लगातार चलाते रहना है। आप देख सकते हैं इससे पहले मैंने एक रेसिपी शेयर करी थी आप लोगों के साथ चोकोलावा केक की, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और बेल आइकन पर भी लगा दूँगी, तो आप ज़रूर देख लें, आपके लिए वो रेसिपी बहुत यूज़फुल रहेगी। आप देख सकते हैं हमारी जो चाशनी में ये परफेक्ट एकदम अच्छे से डिप हो गए हैं। आप देख सकते हैं मैं इसको उतार के रख लेती हूँ एक स्टैंड पे। आप देख सकते हैं इसे हमें ठंडा करते रहना है और चलाते लगातार रहना है, जिससे कि हमारी चाशनी ठंडी हो जाएगी और इस पर एक परत भी आ जाएगी। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऑफ रोज़ वाटर ऐड करा है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए हमें इसे ऐसे लगातार चलाते रहना है जिससे कि जो ये चाशनी है हमारे जो पनीर के पीसेस पे अच्छे से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं ऐसे ये जब इसको चलाते चलाते 5 से 10 मिनट हो जाएंगे तो ये ऐसे ये
कोटिंग इस पे होने लगेगी। बस हमें करना कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही कंटिन्यूसली चलाते रहना है। आप देख सकते हैं इस पे हम ऐसे चलाते रहेंगे और इस पे एक कोट बनके रेडी हो जाएगी। बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा, जैसे आप इसको चलाते रहेंगे तो ये एकदम से ड्राई होने लगेगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद शुगर है तो ड्राई होने लगती है। देखिए ऐसे ही एकदम परफेक्ट बनके रेडी हो जाएगा और ये खिला खिला भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं एकदम खिला खिला हो गया है, क्योंकि ये ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद एकदम से ये अलग अलग हो जाते हैं। चलिए मैं इनको सर्व कर लेती हूँ एक बाउल में। मैं इनको एक बाउल में सर्व कर लेती हूँ। हमारी ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुए हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताएं। फीडबैक कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कितनी पसंद आ रही है। और आप मेरे से क्या रेसिपी देखना चाहते हैं प्लीज़ ये भी मुझे आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।